हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। और ये गाइस, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम रूफ़ कैरियर की बात करेंगे। क्योंकि बोलेरो नियो जैसी काफ़ी बड़ी गाड़ी के लिए, और जब सेवन सीटर है तो सेवन सीटर या सेवन पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए लगेज को भी हमें जो है एकोमोडेट करना पड़ेगा, स्पेशली जब हम तो भी शेयर करूंगा, जिसमें हम इस पे सारा लगेज मैंने लादा और उसको मैं के अवेलेबल है, और वो आपको करीब मेरे ख्याल से 2500 2000 से लेके और 3000 तक मिल जाएंगे। काफ़ी बड़े साइज़ के भी हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है गाइस। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, और इसी से मुझे प्रॉब्लम्स हुई। मैंने सारा लगेज लेके ले लद्दाख की ट्रिप पे मैं निकला, और रास्ते में वो क्योंकि अभी रोड्स काफ़ी बन रही हैं जम्मू के आसपास, ये जो ब्रैकेट है वो एक खिसक के पूरा लगेज के साथ ये पूरा आगे आ गया।
आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान भी हुआ मेरा, स्क्रैचेस वगैरह भी आए जिसको मैं अभी ठीक करवाऊंगा। ये देखिए स्क्रैचेस आ गए यहाँ पे पूरा। किसी तरह से आई मैनेज्ड इन द नाइट, और रात का समय था 8 बजे करीब, पूरा पूरा ये पूरा आगे आ गया। बट फॉर्चुनेटली उसके बाद जब मैं लौट के आया तो सबसे पहले तो मैंने उस रूफ कैरियर को निकलवा के अलग, ईज़िली और इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हुआ, और इसीलिए मैं आफ्टर मार्केट में यू नो आई सर्च फॉर दिस रूफ कैरियर। तो ये तो हुई रूफ कैरियर के बारे में, पिक्चर्स मैंने आपको शेयर करी, लाइव वीडियो शेयर किया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ पुरानी वीडियो शेयर करूँगा कि बल्कि खासकर जब मैंने इसको लगवाया तब भी मैंने एक वीडियो शेयर की थ्रू किया था, उसके जो आपको दिखाऊंगा। और इसके नंबर भी मैंने शायद वीडियो में शूट करे हैं, अदरवाइज शर्मा इजीली वर्क के नंबर आपको दे दूंगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन शॉप होगा मैं गुड साइज एप्लीकेशन शॉप, यहाँ पे केवल और केवल गाड़ियों के रूफ कैरियर या आगे पीछे के बम्पर या इस तरह के जो स्टेनलेस स्टील के जो सामान है उसके एप्लीकेशन होता है। और मैंने देखा मेरे सामने उन्होंने ये पैकेट वगैरह तैयार किए, देखने को रब करके उसमें तैयार किए, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आप इसे झेल नहीं सकते। और काफ़ी हद तक इनका बहुत मेजर रोल है, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो ये पैकेट जो है यहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद पूरा पूरा आपका जो कैरियर है आगे चला जाता है। और मुझे लगता है इसका वजन जो होगा पूरे रुपये में कम से कम 10 किलो तो होगा, ये भी थोड़ा सा वो था कि ज़्यादा वजन होने से है। लेकिन अगर इसको मैंने 3 महीने किया, और इस बार मैंने यही सोचा था कि अनलेस आई यू नो यूज इट आई विल नॉट मेक एनी वीडियो एंड आई विल नॉट रिकमेंड अनलेस आई यूज माई सेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम। 3 महीने काफ़ी होते हैं, और जिस तरह से वो टाइट है और जिस तरह से स्टर्डी है मजबूत है, अब हाँ मैं कैसे वाला जो कैरियर था वो एल्यूमिनियम का था, बहुत महंगा था, और उसमें तो मैंने देखा था ये कितनी क्वालिटी से कम था, और इस यही रीज़न था कि पूरा पूरा कैरियर पूरा भारा है, और वो सबकी गाड़ी अलग कोई डैमेज
खास नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैंने तो मेरे साथ हैं उनके मैनेजर, मैं उनसे ही बात कराता हूँ। मालिक ही है, मालिक साहब हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात कराता हूँ। क्या नाम है सर आपका? शंकर कुमार। शंकर कुमार जी हैं, इन्होंने मुझे राय दी कि एक इनके पास तैयार था स्टैंड रूफ कैरियर सॉरी, तो वो इन्होंने रिकमेंड किया पहले हम इसी वाले पे। तो अगर आप ये देखें तो ये वाला पुराना स्टैंड है, रूफ कैरियर है मेरा, जो गिर गया था, काफ़ी हल्की क्वालिटी का, मेरे पास टाइम कम था और ये रास्ते में गिर गया। इसने थोड़ा गाड़ी को भी स्क्रैच किए हैं जो मुझे अभी ठीक कराने पड़ेंगे, तो इट वॉज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं जल्दी में था। तो ये देखिए कितना हल्का है, एल्यूमिनियम का है और जब चलती तब भी इसमें आवाज़ आती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम एयर। अभी ये पूरा प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का है और ये इन्होंने इसको फिट करने के लिए यहाँ पे ज़रा कुछ ब्रैकेट वगैरह लगा दिए हैं, काफ़ी भारी है। और ये देखें अगर आपको वो फेल होगा वरना एक बार मैं दिन के उजाले में भी इसका वीडियो बना दूँगा। अभी वो उसके ब्रैकेट को सही कर रहे हैं और ये पूरा रबर पे बैठा के इसको ब्रैकेट लगा के टाइट करेंगे। तो ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप देखें तो मैं फिर से एक बार सेंटर करता हूँ, शायद देख पा रहे हैं, और तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है। तो अभी मैं फिर से अपडेट करता हूँ, देखिए पूरा फिक्स हो जाएगा। मैंने काफ़ी हद तक तो रोशनी में खड़ा भी किया, बट आई होप कि आप लोग चाहे देख पा रहे हैं। और ये इनकी पूरा मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, अगर आप देखें तो। और ये कीर्ति नगर के की रेड लाइट के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसका भी मैं आपको वीडियो में लिंक दूंगा और इनका एक विजिटिंग कार्ड की फ़ोटो लेके भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो शंकर कुमार जी हैं इसके ओनर, उनसे मेरी बात हुई पहले, पुराने ही वाले को वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर उनके पास एक ये बड़ा कैरियर था जिस पे उन्होंने मुझे राज़ी किया कि ये लग जाएगा। इसकी क्या कॉस्ट है और कितने का मुझे उन्होंने दिया फाइनली, ये इस पे हम डिटेल में आपको मैसेज में कर दूंगा और बाकी इनका नंबर भी डाल दूंगा ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम लखनऊ जाने के लिए, मॉर्निंग का टाइम है, हम लखनऊ जाने के लिए तैयार हैं और मैंने सारा लगज जो है अपना इस रूफ कैरियर पे लाद दिया है। एक त्रिपाल टाइप का मैंने इसके ऊपर बांध दिया ताकि इन केस ऑफ एनी रेन और थोड़ा डस्ट से भी प्रोटेक्शन रहता है।
मुझे ये काफ़ी स्टडी लग रहा है और काफ़ी रिलायबल लग रहा है, अनलाइक द लास्ट वन विच आई परचेस्ड ऑफ एल्युमिनियम, अ वेरी बैड क्वालिटी, जो कि स्लिप भी कर गया था, और लुक वाइज भी ये काफ़ी ठीक लगता है जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। ये देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल पूरा स्टेनलेस स्टील का है 304। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं बता दूं आपको इस रूफ़ कैरियर की कॉस्ट मुझे करीब पड़ी 12,000 रुपीज़, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।